भोपाल के जाने माने डॉक्टर के प्रजापति छतरपुर आकर छत्रसाल चौराहे पर एक दर्द निवारण शिविर लगाते हैं, जो कि प्रत्येक माह के रविवार को आयोजित किया जाता है। और इस बार के शिविर में छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने शिविर में पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर के प्रजापति, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेन चौरसिया के अलावा तमाम रोगीगण मौजूद रहे, जिनके द्वारा शिविर में शिरकत की गई और यहां पे डॉक्टर के प्रजापति से परामर्श लिया गया। डॉक्टर के प्रजापति ने बताया कि यहाँ पे हमारे द्वारा हर माह के रविवार को शिविर लगाया जाता है और यहाँ पे जितने भी दर्द निवारण से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। इसके पीछे हमारी मानसिकता है, क्योंकि हमारी ये जन्मभूमि है तो यहाँ के लोगों को सही तरीके से सही इलाज मिलना चाहिए। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष का मोमेंटो देकर यहाँ पे डॉक्टर के प्रजापति ने स्वागत किया। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, ज्योति चौरसिया जी ने, दीदी जी ने उद्घाटन किया है और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। हर महीने की तरह इस बार भी हमने संडे को कैंप लगाया है और इसमें लगभग निःशुल्क सारा परामर्श दिया। छतरपुर पहुंची हिंदू गौरव यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इसी क्रम में छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया एवं समस्त पार्षद गण द्वारा छत्रसाल चौराहे पर गर्म जोशी से स्वागत किया गया और इस यात्रा में शामिल सभी अतिथियों को पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही यहां पे पुष्प वर्षा की गई और इनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार हिंदू गौरव यात्रा छतरपुर से मऊसानिया के लिए रवाना हुई, जहां पर जगह जगह स्वागत किया गया और यह यात्रा चौक बाजार, महल रोड, बस स्टैंड होते हुए नौगांव रोड के माध्यम से मऊसानिया पहुंची। यहां पे यात्रा के लिए नीरज सिंह आए हुए थे, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनाथ सिंह के बेटे हैं। तो यहाँ तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ आए हुए थे और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी नेता अर्चना सिंह द्वारा यहाँ पे यह रैली निकाली गई, जिसमें सभी लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से युवा एकजुट होकर जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। सबने उनका और ये यात्रा छतरपुर लोग के मौसम तक जा रही है, काफ़ी ही मतलब उत्साह देता है और सबने बहुत उत्साह देखा और हम सबने स्वागत किया। छतरपुर जिले के ग्राम कुर्राहा में एक मामला सामने आया है, जिसमें कुछ अज्ञात लोग घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें अंदर सो रहे बच्चों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तभी बच्चों ने बाहर आकर देखा तो दादा दादी जमीन पर पड़े हुए थे। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 100 ने दोनों को ही अस्पताल, जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया और बुजुर्ग व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चों का कहना है, हमारे माता पिता हरियाणा में रहते हैं और आरोपी चोरी करने की फिराक में आए थे, लेकिन नाकामयाब होते हुए उन्होंने दादा दादी पर हमला कर दिया। चोरी ना कर पाने की वजह से हमारी दादी को मार डाला है, बाकी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से अलीमा तरुन्नुम की रिपोर्ट। किस तरह से ये घटना हुई, किसने अंजाम दिया इसको? पांच लोग थे, पांच लोग रह रहे थे, भाई दादा बाहर सो रहे थे कमरे में, दो भाई एक बहन अंदर सो रहे थे कमरे में, तो फिर भाई की चीखने की आवाज़ आई और फिर गेट खोल कर देखा तो कोई उसका चेहरा दिखा था और दो तीन लोग होंगे। किसका चेहरा दिखा था आपको? भाई लड़का, गांव का लड़का है वो। क्या नाम था उसका? राहुल कसबा नाम है उसका। फिर कैसे आए आप यहाँ पर, पुलिस को सूचना दी? 100 नंबर लगाया, 100 नंबर से यहाँ पर आए। हाँ, क्या हो गया, मतलब कैसे किया था, कौन कौन है उसमें? दादी एक्सपायर हो गई, दादाजी का इलाज चल रहा है। तो क्या कोई उनसे दुश्मनी थी पहले से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, चोरी के लिए ऐसे आए थे। कभी देख कभी आए वो आपके घर पे कि नहीं, पहली बार आए थे? घर पर
दुकान पर सामान लेने आते रहते हैं। किस चीज़ की दुकान रखी है? किराना की। छतरपुर के जिला अस्पताल में मरीजों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है और इनकी समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा वाक्या सामने आया है यहां पे महिलाओं का, जहां पर उन्हें बेड नहीं मिलता है और ज़मीन पर लिटा दिया जाता है। जानकारी के अनुसार यहां पे जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है, उनकी डिलीवरी होने के बाद उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, जिस कारण से गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वह यहां पे प्रसव पीड़ा होने के बाद डिलीवरी हो जाती है और ज़मीन पर लेटती हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, जिस बात को लेकर उनके परिजनों का कहना है कि यहां पे कोई सुध लेने वाला नहीं है और हम लोगों को डिलीवरी के बाद ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, जिस कारण से हमारे मरीज का हाल और भी बेहाल हो जाता है। इस ओर जो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी है उसको ध्यान देना चाहिए और सुधार कराना चाहिए, ताकि हम लोगों को ऐसी परेशानी से निजात मिल सके। और आए दिन जो सामने मामला आता है, इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती है और जो सिविल सर्जन है वह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सर वहाँ मैडम है, देती नहीं है दुकान से, यहीं अपने यहीं के उठा उठा के भाग जाते हैं, आते हैं लोग परेशान करते हैं। कब डिलीवरी हुई थी आपकी? कल रात। तो कल से आप लोग ऐसी ज़मीन में लेटे हैं? आपने पलंग के लिए बोला तो क्या कहा उन लोगों ने? नहीं नहीं, खाली नहीं। क्षेत्र में चल रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। बक्सवाहा नगर एवं क्षेत्र में इन दिनों प्रतिदिन अवैध शराब का कारोबार लगभग सभी पंचायतों में ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में सोमवार को भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बक्सवाहा नगर एवं क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नशा मुक्ति एवं गांव-गांव विक्रय की जा रही शराब के विरोध में तहसील प्रांगण पहुंचकर जमकर नारे लगाए। तत्पश्चात तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नगर एवं क्षेत्र में अवैध शराब बंद कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर शराब से हो रहे अपराध जैसे चोरी, बलात्कार, सड़क दुर्घटना तथा परिवार में आपसी झगड़े जैसी घटनाएं इन्हीं कारण बढ़ रही हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हमेशा से ही नशा मुक्त रहने, मांसाहार का त्याग, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। ज्ञापन सौंपने वालों में भगवती मानव कल्याण संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह लोधी तथा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानी सिंह लोधी तथा संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बक्सवाहा से वरदान एक्सप्रेस के लिए राहुल जैन की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है जी, आश्वासन दिया तहसीलदार ने, आश्वासन दिया है कि आप जहाँ जहाँ बिक रही है उसका भी हमें लिस्ट बना के दें और उनसे जल्द प्रयास करेंगे और आप नियंत्रण कार्यक्रम करते रहें। इससे हम आपका भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तो ही मिलकर के जो अवैध अवैध शराब हर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में एक ठेके से संचालन हो रही है, सैकड़ों सैकड़ों जगह गांव में जहां पर बच्चे महिलाएं सब पीड़ित होती हैं, उससे पूरा जो युवा हमारा कितना युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति बोली गई है और उसी को बर्बाद करने में सरकार लगी हुई है। इसलिए हम हर जगह से, जिलों से, तहसीलों से गुरुदेव भगवान के निर्देश अनुसार ज्ञापन देते हैं कि भाई पहले अवैध शराब बंद हो और निश्चय पूरे देश को नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी इतनी नशे के शिकार में जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर जगह गैंग रेप, हर जगह आज देखें 13 साल 15 साल ये सब नशे के कारण हो रहे हैं, बलात्कार जैसी दुर्घटना, एक्सीडेंट, कितने हज़ारों केसों हैं जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इस सब की जड़ें मूल नशा है। अगर हमारे देश से नशा मुक्त हो जाए तो जिस प्रकार से सोने की चिड़िया देश हमारा भारत कहता है, लेकिन नहीं है। आज जितना गुलाम हम उनके नहीं हुए अंग्रेजों के, जितने आज हम लोग सरकार के, इसलिए हो रहे कि हर जगह नशा का व्यापार परस रही है सरकार। अगर सिर्फ ये नशे का व्यापार बंद कर दे तो नीचे हम सब सुखी हैं। हर जगह दंगे होते हैं, नशे के कारण दंगे होते हैं, जितने भी प्रजा परेशान होती है नशे के कारण परेशान होती है, जितने भी एक्सीडेंट केस आते हैं अस्पतालों में जाएं केवल और केवल नशे के कारण ही।